दोबारा से देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स गिवन है। आपसे कह रहा है S1 फर्स्ट टर्म निकालिए, सेकंड टर्म निकालिए, सम ऑफ टू टर्म निकालिए, थर्ड टर्म निकालिए, टेंथ टर्म निकालिए और nth टर्म निकालिए। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ, मुझे बस आप ये बताइए सम ऑफ एन टर्म का मतलब क्या है। सम ऑफ एन टर्म का मतलब है A1 से लेके AN, सम ऑफ एन टर्म A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस AN, यस और नो? हाँ भाई, यस सर। SN का मतलब यही है। सब बच्चे बस लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं समझा रहा हूँ, पता मैं बस समझ लीजिए। आज इंशाल्लाह लास्ट क्लास है इसकी AP की, फिर देखेंगे आपके डाउट्स बताएंगे बस। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे ये बताओ कि व्हाट इज S1। जब मैं आपसे कह रहा हूँ S1 तो S1 का क्या मतलब होगा? A1 S1 का मतलब होगा बेटे सम ऑफ वन टर्म। यस बिल्कुल 100% जो आपने कहा बेटे A1 सम ऑफ वन टर्म। तो सम ऑफ वन टर्म का मतलब ओनली फर्स्ट टर्म, तो S1 मींस A1। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं नहीं बेटे मुझे तो आप ये बताइए कि सम ऑफ टू टर्म क्या होगा? S2 A2 S2 बेटे A2 नहीं होगा। S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। ये बात बताओ सबको समझ में आई क्या? यस सर। मैं आपसे कह रहा हूँ व्हाट इज S3? A1 प्लस A2 प्लस सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। यस प्लस A3 माइनस करूं। सब बच्चे प्लीज ध्यान से समझ लीजिए, S1 तो हमारा एज इट इज A1 होता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं अगर मैं आपसे कहूं कि भाई S2 माइनस S1 तो आप क्या कर रहे हो? S2 सम ऑफ टू टर्म में से S1 माइनस कर रहे हो। सम ऑफ टू टर्म में से S1 माइनस कर रहे हो, तो अगर S1 माइनस करोगे क्या आप सोचते हो कि A1 कैंसिल हो जाएगा? यस सर। सब बच्चे सोच लो जरा एक बार, S2 माइनस, मैं S1 में से S2 माइनस नहीं कर रहा हूँ, S2 में से S1 माइनस, सम ऑफ टू टर्म में से सम ऑफ वन टर्म हम माइनस कर रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि A1 माइनस हो जाएगा, तो क्या S2 माइनस S1 हमारा A2 होगा? यस सर। ये फॉर्मूला आने जा रहा है, थोड़ा सा जाग जाइए देख लीजिए। अब खुद दोबारा से सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं बेटे कि S3 माइनस S2 S3 माइनस S2 तो क्या इस बार A1 कैंसिल होगा और A2 कैंसिल होगा? होगा, है ना भाई? तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा A3। बेटे ये फॉर्मूला है बेसिकली, आप जरा ध्यान से देखो, सब बच्चे जरा ध्यान से, दोबारा से मैं बता रहा हूँ। S2 के अंदर A1 और A2 होता है और S1 के अंदर सिर्फ A1 होता है, तो जो टर्म एक्स्ट्रा है वो बचेगा, तो हमारी A2 एक्स्ट्रा थी तो A2 बचा। ध्यान से सुनो, S3 में 3 टर्म्स होते हैं और S2 में 2 टर्म्स होते हैं, तो एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है? S3 माइनस S2 में A3। यस, अब सब बच्चे बस मेरा एक आंसर दे दो, समझो आप समझ लिया। अगर मैं बेटे आपसे कह रहा हूँ कि S10 माइनस S9 A10 एक्स्ट्रा, A10। सब बच्चे प्लीज सोचो इस बारे में, S10 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म और S9 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, तो एक टर्म एक्स्ट्रा है कौन से वाले में? S10 में, तो क्या डायरेक्ट A10 आ जाएगा? यस और नो? यस सर। अगर अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटे कि S5 माइनस S4 तो क्या A5 बचेगा? यस सर। सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? यस सर। आप सब बच्चों को ये समझ में आना चाहिए कि S5 में एक टर्म एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा कौन सा? जो लास्ट वाला यानी कि फिफ्थ टर्म। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि अगर मुझे बेटे A20 निकालना है, A20, तो मैं डायरेक्ट S20 माइनस S19 कर सकता हूँ। यस सर नो? यस सर। यस सर।
जब भी मुझे सम ऑफ एन टर्म्स दिया जाएगा तो मैं इस तरह से अपना फॉर्मूला बना सकता हूँ, क्योंकि मैं एस एन निकाल सकता हूँ, एस ट्वेंटी निकाल सकता हूँ, एस नाइनटीन निकाल सकता हूँ फ्रॉम द फॉर्मूला, जैसे एन एट टर्म निकाल सकता था। तो एक तरीका तो सिर्फ ये है। सबको समझ में आ गई बात या नहीं? यस सर। अगर समझ में आया है तो देखो किस किस को आया है। nth टर्म क्या होगा? अब देखते हैं। nth टर्म nth टर्म माइनस वन बाय nth टर्म होगा अगर एस एन में से एक टर्म माइनस का सम कर दें, सम माइनस कर दें। यस सर। भाई सम ऑफ एन टर्म्स तो लेंगे ही, लेकिन उससे वन टर्म लेस, यानी कि सम ऑफ एन माइनस वन टर्म। तो दैट इज अवर फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना बेटे, इस पे आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है, सिर्फ इसी पे ही। ओनली दिस प्रॉपर्टी, nth टर्म इज सम ऑफ n टर्म माइनस सम ऑफ n माइनस वन टर्म। तो इससे फायदा क्या होगा? अब दोबारा से क्वेश्चन समझो, अब डायरेक्ट दोबारा से क्वेश्चन समझो, फिर दूसरी तरीके से समझाऊंगा कि हाँ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। आइए, कुछ बच्चों का स्टेमिना जो है ना 40 मिनट के बाद खत्म हो जाता है, फिर वो क्लास से आहिस्ता आहिस्ता पीछे से, जैसे हमारे वो बैंक बेंचर्स होते हैं ना, बैक बेंचर्स के, आहिस्ता आहिस्ता से क्लास से निकलने लगो, क्लास हैं, हाँ वो कल्टी मारने लगते हैं, फिर वो क्या कहते हैं सलमान, कल्टी भाग जाते हैं सर, भाग जाते हैं। हाँ डिजिटल भी तो भागना चाहिए ना, दीवार फांद के। आइए सर, चलो सब बच्चे देखो, अब हम क्या कह रहे हैं बेटे, अगर हमारे पास एस एन गिवन है, दैट इज 4n माइनस 1 माइनस n स्क्वायर। तो बेटा एक तो चीज ये देख लीजिए, n को चेंज करते रहिए आपके पास टर्म। अगर मैं आपसे कहूं डायरेक्ट s20 बताओ, s20, तो n की जगह बेटे सिर्फ 20 रखना है, 4 इंटू 20 माइनस 20 का स्क्वायर, 4 इंटू 20 80, 20 का स्क्वायर 400, तो माइनस 320 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस 320। समझ में आया नहीं आया? जी सर। यस सर। अगर मैं आपसे कहूं एस 10, एन की जगह 10 रख दो। एक तो चीज ये है, जब सम ऑफ एन टर्म दिया हो तो आप कोई से भी टर्म्स का सम निकाल सकते हो। खैर हमें ये नहीं करना था, हमें तो क्या करना था, हमसे कह रहा है एस एन, तो सबसे पहले हम एस वन निकाल रहे हैं। तो एस वन हमारा आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 वन जा 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 कितना आ गया भाई? 3। तो हमने आपसे क्या कहा था, S1 तो बेसिकली फर्स्ट टर्म होता है, S1 is 3, so A1 is 3। अच्छा अब मैं आपसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं S2, तो S2 तो हमें पता है n की जगह, ये जो हमारे पास n है ये हमारा फॉर्मूला है, या n को 2 से रिप्लेस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 टू जा 8 माइनस 4 4। अब हमें कुछ नहीं जरूरत है वैल्यू रखने की, हम अगर आप फॉर्मूला समझ चुके हो, ये S2 है और ये S1 है, तो क्या डायरेक्ट A2 आ जाएगा? Yes, sir. S2 माइनस S1, S2 कितना आया था, S1 कितना आया, तो A2 आ गया नहीं आ गया भाई? Yes, sir. आपसे क्या कह रहा था, आपसे कह रहा था A2 निकालो, A3 निकालो, A3 बताओ, A3 क्या होगा? S3 माइनस S2, S3 माइनस S2, S3 क्या होगा, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, यस और नो? यस सर। फॉर्मूला जो है हमारा 4n माइनस n स्क्वायर है, 3 रख देंगे हम। अच्छा S2 हम पहले ही निकाल चुके थे, S2 कितना निकाला था हमने, 3 नहीं S2 4, S2 तो 4 निकाला था ना, 4 3 जा 12, हाँ भाई 12 माइनस 9 3, 3 माइनस 4 माइनस 1 Minus 1। तो ये हमारा A3 आ गया। जरा मुझे बताओ, हमसे कह रहा है A10 बताओ, क्या बताओ? A10 क्या होगा सर? S10 minus S9। SN हमें कितना दिया हुआ है? 4N minus N square। तो S10 कैसे निकालेंगे? N की जगह 10 रखो, 4 into 10 minus 10 का square।
और एस नाइन कैसे निकालेंगे? नाइन रखो, फोर इंटू नाइन माइनस नाइन स्क्वायर, यस और नो? यस सर। बताओ 40 माइनस 100 कितना होता है? 60 माइनस 60। अच्छा 4 9 जा 36 माइनस 81 45 माइनस 45 जाना 45 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 60 प्लस 45 25 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 15 सर समझ में आ गया? यस सर आ गया जी सर। और फाइनल फाइनल दोबारा से मैं लिख रहा हूं, दोबारा से मैं लिख रहा हूं कि Sn जो है हमारा वो 4n माइनस n स्क्वायर है, तो हमारे पास क्या होगा? nth टर्म, nth टर्म इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। तो Sn का तो फॉर्मूला आप सबको पता है, 4n माइनस n स्क्वायर है, लेकिन कोई बच्चा मुझे बता सकता है Sn माइनस 1 क्या होगा? n n नहीं, हमें क्या करना है बेटे, जहां n है, जहां पे भी n आया है वहां पे n माइनस 1 रखना है। क्या रखना है? n माइनस 1। ओके ओके भाई, अगर 10 आ रहा था तो 10 रख रहे थे, 20 आ रहा था 20 रख रहे थे, n आ रहा है तो n रख रहे हैं, n माइनस 1 आ रहा है तो n माइनस 1 रखेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे प्लीज, 4n माइनस 1 माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर। सबको ये बात समझ में आई क्या? यस सर आ गई सर आ गई। सब बच्चे प्लीज ध्यान से, जहां जहां हमारे पास एन है वहां पे एन माइनस वन रखेंगे, वहां वहां क्या रखेंगे? एन रखेंगे। तो वहां पे अब जरा से सॉल्व करो बेटे सब बच्चे, फोर एन माइनस फोर माइनस फोर एन माइनस फोर इसका n माइनस 1 का होल स्क्वायर करो जरा, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है सर, ओपन द ब्रैकेट, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं, 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। देखो क्या आ रहा है, 4n माइनस n स्क्वायर और हमारे पास क्या आ रहा है सर, 4n प्लस 2n 2n 6n माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5, बाहर माइनस है तो प्लस 5 और प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 4n माइनस 6n कैंसिल माइनस 2n प्लस 5 माइनस 2n 5 माइनस 2n ये हमारे पास है nth टर्म, nth टर्म n। सर कुछ समझ में आया क्या? सर पूरा आया नहीं, बहुत सारे बच्चों ने छोड़ दिया, आप पढ़ना कहना सर अपने आप ही पढ़ते रहो। आ गया सर। नहीं सर बहुत हम पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि सर आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, बस आप ही पढ़ लो, हम नहीं पढ़ रहे। नहीं सर हम तो पढ़ेंगे। संगे मित्र हंसरी होगी, सर आप मुझे क्यों कह रहे हो ऐसी बात, मैं तो ऐसा कहती भी नहीं। हाँ बोलो 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 कुछ तो बोलो। नहीं बोले, लामिया हंस रही है, देखो पीछे बैठी हुई इकरा भी हंस रही है। लामिया ऐसी बात है ना कि सर आप ही पढ़ लो, इतना लंबा क्वेश्चन मैं नहीं करती। चलो चलो इसे, एक तो ये बेसिकली बेटे ये प्रॉपर मेथड है, हमें थोड़ा सा लेंथी लगा क्योंकि हमने पहले इसका कॉन्सेप्ट सीखा है, अदरवाइज मैं देखो अब इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ आप सब बच्चों के लिए एक एक लाइन में, और फिर मैं इसको दोबारा से बहुत बेसिक मेथड से करूंगा, फिर आप कहोगे सर यही वाला अच्छा है हमारे लिए, तो बट ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, आईआईटी के लिए भी कर सकते, कह रहा हूं मैं कि इससे कर सकते हो, बट मैं अब आपके लेवल से भी समझाऊंगा कि सर ये वाला सही था, आप हमें यही पहले समझाते हैं, लेकिन अब इसे दोबारा से देखो, अब मैं इसे एक एक लाइन में कर रहा हूं अब बगैर कॉन्सेप्ट के। सब बच्चे देखो जी, सब बच्चे देखो, अब मैं इसको वन वन लाइन में करूंगा, सारे बच्चे देखो ध्यान से, कोई ज्यादा करना ही नहीं था, जब आप समझ लेते हैं ना चीजों को। सबसे पहले एस एन, एस एन क्या है? 4n माइनस n स्क्वायर, तो आपसे कहा s1 बताओ, ठीक है सर s1 ही a1 होता है, ठीक है सर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 3, फाइनल खत्म। फिर आपसे क्या कह रहा है सर, व्हाट इज द सेकंड टर्म, ठीक है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म से क्या कह रहा है s2 दैट इज 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 इज 4। आपसे कह रहा था a2 बताओ, सर a2 होगा 4 माइनस 3 इज 1। आपसे कह रहा था सर a10 बताओ,
ए टेन होगा सर एस टेन माइनस एस नाइन, दैट इज फोर इंटू टेन माइनस टेन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू नाइन माइनस नाइन का स्क्वायर, फोर्टी माइनस हंड्रेड इज माइनस सिक्सटी, माइनस माइनस फोर्टी फाइव दैट इज माइनस फिफ्टीन। हाँ सर यही था ना जो हमने दो पेज में किया है अभी, अब समझ में आ रहा हो ना थोड़ा थोड़ा सा? जी सर सब बताओ yes, आ रहा है समझ में? तो बेटे वो तो कॉन्सेप्ट की वजह से हमने इतना टाइम लिया, अदरवाइज क्वेश्चन तो की लेंथ तो इतनी है। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं कि नहीं सर एन ए एन एच सम बताओ, तो ठीक है सर ए एन हमारा होगा एस एन, ये भी हम आपके लिए लिख रहे हैं एस एन एस माइनस माइन, तो हमारे पास क्या होगा सर फोर एन माइनस एन स्क्वायर माइनस फोर एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन का स्क्वायर, ये हमारे पास। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फोर एन माइनस एन स्क्वायर माइनस फोर एन माइनस फोर एन माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, बाहर माइनस है तो माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन, ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा फोर एन माइनस एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन माइनस माइनस प्लस फाइव प्लस एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, फाइव माइनस टू एन इज आंसर। इतनी लेंथ है बेटे, बताओ ये कुछ ज्यादा लेंथ है क्या? फोर मार्क्स के लिए मिनिमम फोर मार्क्स का क्वेश्चन है सर। कुछ समझ में आया या नहीं आया? आ गया सर। लेकिन अब देखो जैसा संगे मित्रा चाहती है कि सर ये तो अच्छा वाला कौन आपने बताया नहीं मेथड, संगे मित्रा कुछ और चाहती हैं। देखो संगे मित्रा क्या चाहती है, आप बिल्कुल संगे मित्रा के स्टाइल का आंसर। नहीं नहीं बोले आप, बोले आप, बिल्कुल ऐसी आवाज आती है संगे मित्रा की, कभी कभी नेट से जो है जमुना में से निकल के आ रही हो। संगे मित्रा रहती भी है वही जमुना किनारे, तो जब नेट स्लो होता है संगे मित्रा की आवाज ऐसी आती है बिल्कुल। आओ सर देखो सब बच्चे, देखो सब बच्चे बेटे है क्या कह रही है आप, आइए चलिए। अरे हम रहते हैं, हम हैं ओखला वाले जमुना के किनारे, हम रहते हैं भाई गंगा किनारे वाले हैं हम, जमुना किनारे वाले हैं हम। अच्छा अच्छा, कन्हैया जी की नगरी जिस तरह से यमुना के किनारे बसी है ऐसा ही हमारा ओखला भी तो जमुना के किनारे बसा हुआ है। आइए सर हमारे पास क्या है, एस एन है फोर एन माइनस एन स्क्वायर। आप सब बच्चों को पता है भाई S1 निकालेंगे और S1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सब बच्चे समझ लीजिए बिल्कुल आपके स्टाइल में समझा रहा हूँ, 4 माइनस 1 हो जाएगा 3। मैं आपसे कह रहा हूँ S2, S2 होता है A1 प्लस A2, है ना भाई? A1 प्लस A2 क्या होगा सर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 इज 4। सब बच्चे ध्यान से देखिए, ये मेरे पास क्या है फर्स्ट टर्म फर्स्ट इक्वेशन और ये मेरे पास क्या है सेकंड। क्या सब बच्चे देखो जरा ए वन की वैल्यू थ्री को मैं सेकंड में रख दूं? हाँ भाई ए वन हमारा कितना आया थ्री और ए वन प्लस ए टू कितना आया फोर फ्रॉम फर्स्ट, तो अगर मैं यहां रखूंगा थ्री प्लस ए टू इज इक्वल टू फोर तो ए टू फोर माइनस थ्री वन आ जाएगा नहीं आ जाएगा सब बच्चे बताओ? यस सर, ए टू हमारा वन आ गया, ए टू हमारा कितना आ गया सर वन। अब सब बच्चे मुझे बताइए ए वन हमारा कितना है सर थ्री और ए टू कितना है सर वन, क्या क्या आप सब बच्चे डी निकाल सकते हो? वन माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस टू। अब सारे बच्चे खुशी खुशी बताओ अगर मेरे पास ए हो और डी हो तो क्या मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ? Yes, क्या निकाल सकता हूँ? Absolutely. सर मैं A3 निकाल सकता हूँ, A3 क्या होगा? A plus 2D. A कितना है? One. अरे A3 नहीं है बेटे, ठीक है और D कितना है? माइनस टू, तो टू टू जा फोर, थ्री माइनस फोर कितना आया बेटे? माइनस वन। यस सर नो, सब बच्चे बताओ ना समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। ए टेन बताओ क्या होगा भाई? ए प्लस नाइन डी, ए प्लस नाइन डी। ए कितना है हमारा? थ्री। नाइन डी कितना है हमारा? माइनस टू। नाइन टू जा माइनस एटीन, माइनस एटीन प्लस थ्री माइनस फिफ्टीन। बताओ एन ए टर्म का फॉर्मूला?
3 plus n minus 1 into minus 2. So 3 minus 2n plus 2, 3 plus 2. 5. अब बताओ ये वाला मेथड तो मजे मजे में समझ में आया होगा? Yes sir. सर यही सही है बस, पहले यही समझा देते आप. संजय मित्र आप सही हैं? हाँ बोलो तो बोलो. नहीं नहीं बोलो शाबाश. सर वही सही था. अच्छा वही सही था, संजय मित्र ने समझ लिया. हाँ भाई लामिया ठीक है? Yes sir. कौन सा वाला सही है सॉल्यूशन? Which one? सर सभी ठीक लगे मुझे तो. Very good. Yes सभी ठीक लगे, इसका मतलब कोई ठीक नहीं लगा. पढ़ा दो सर बस, क्लास पूरी करो, थैंक यू बोलो. तो हमारे पास क्या है बेटे, यहाँ से आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला आ गया बच्चे, nth term is equals to sum of n term minus sum of n minus 1 term. इस फॉर्मूले का आपका 10th से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए. इट इज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी. ठीक है जी? Okay, sir. देखो बस अब एक क्वेश्चन देख लो, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं. सारे क्वेश्चन एक से ही हैं, बाकी और कुछ नहीं करना है. चैप्टर इज ओवर नाउ. अब आप सारे क्वेश्चन करेंगे, मैं अब एक क्वेश्चन आपको डाउट के लिए दूंगा एक क्लास. ये देखो सारे क्वेश्चन सेम है, लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6. तो सिंपल आपको बेटे एपी निकालना है बस. आपको पता ही है क्या करना है. पहले वहां एनए टर्म निकाल रहे थे, यहां सम निकाल रहे हैं. तो आप जरा एक चीज देख लो बस, आपसे कह रहे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. तो आप कहां से स्टार्ट करोगे? अब यहां से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 आर. कोई बच्चा मुझे बता सकता है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 कौन से होंगे? जीरो. जीरो भी होगा? अच्छी बात भी कर लिया करो बेटे, जीरो कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता बेटे, जीरो हैज नो साइन. ठीक है, तो आपका बेटे स्टार्ट होगा 6, 12, 18. ठीक है, कोई बच्चा मुझे बताएगा लास्ट इंटीजर कौन सा होगा? 36. कौन सा होगा? 36. मर्जिया आपने बोला 36 सर. 240. मर्जिया ये 36 आपने बोला? ओ सर मुझे लगा 40 था. मुझे लगा, मुझे लगे में तो मार्क्स कट जाएंगे, वो 100 की फिगर नहीं आएगा फिर. समझ में आया? मैंने आपको एक दिन बताया था डूबेगा कौन? मैं. जो तैरना जानता है. यस सर. तो फिर ब्रेक लगाना चाहिए थोड़ा सा, कंट्रोल करके बेटे. यहाँ प्लीज सब बच्चे सुन लीजिए, कंफ्यूजन भी यही होता है. हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं 6 के मल्टीपल, लेकिन 40 तक. तो 40 तक हम वही सोच लेते हैं 36. नो बेटे, आपसे कह रहा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब आपके पास अभी कितने इंटीजर्स हुए हैं? 3, 1, 2, 3. तो आपको 40 इंटीजर्स चाहिए. तो 40 इंटीजर्स अगर चाहो तो लिख लेना 240, अगर आप चाहो. कोई जरूरी नहीं है, मैं देखो दोनों चीजें लिख के दिखा रहा हूं आप सब बच्चों को. तो एक तरीका तो ये 6, 18 अप टू, आप यहां लिख दो 40 टर्म्स, बस इससे काम चल जाएगा. मुझे जरूरत ही नहीं लास्ट क्या आएगा, मुझे बस इतना पता है कि मल्टीपल ऑफ 6 हैं और कितने हैं. हाँ भाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 40. सलमान सुन लो बेटे इधर, अगर आपने ये लिख लिया तब भी आपका सम निकल जाएगा, बिकॉज आपको एस 40 पता है. तो एस 40 क्या होता है? 40/2. 2a पता है ना हमारे पास? Yes sir. 40-1. D पता है ना बेटे? Yes sir. 6. आ गया 6. क्योंकि आपको a पता है, n पता है, d पता है, तब भी निकल जाएगा. और अगर बेटे आपने ये कर लिया कि नहीं मेरा 40 टर्म्स 240 है, तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो? a प्लस l वाला. 40/2 a प्लस l. तो चॉइस इज योर्स, क्या आपको क्या समझ में आ रहा है? सर समझ में आ गया क्या? Yes, sir. चलो जी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच. ठीक है.